सेफ्टी इंट्रेंस, ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ, आप गए थे वहां पे सर? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है रेलवे की सेफ्टी में। आप देखिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये टेक्नोलॉजी सारी दुनिया में 1990 में लगी। क्या तब की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी लगाना? किसी ने नहीं लगाया। 2016 में मोदी जी ने आके कवच को अप्रूव किया। 2016 के बाद में 3 साल सर्टिफिकेशन के लिए लगते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है इसका, सिल 4 सर्टिफिकेशन होता है। वो 2019 में मिला, 20 और 21 कोविड के पीरियड थे, लेकिन तुरंत काम चालू किया 21 में। आज करीब करीब 3000 किलोमीटर के आसपास ऑप्टिकल फाइबर केबल लग चुके हैं। ओवरऑल किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें 3000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लग चुका है, 269 टावर्स लग चुके हैं कवच के। स्टेशन पे जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, 186 स्टेशन पे डेटा सेंटर बन गया है। ट्रैक साइड, ट्रैक के ऊपर जो इक्विपमेंट लगता है, 827 किलोमीटर्स पे लग गया है और 170 लोकोमोटिव्स पे लग गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और नई टेक्नोलॉजीज कई तरह की लगाई जा रही है। कैमरा लगाए जा रहे हैं अंदर, सीसीटीवी, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम लगाया जा रहा है, हर कोच में ड्राइवर अलर्ट लगेगा। जगह जगह जहां से लेवल क्रॉसिंग गेट है उसकी जगह पुल बन रहे हैं, पिछले साल 1000 पुल बने। तो ओवरऑल रेलवे में सेफ्टी पे मोदी जी ने इतना फोकस किया है कि जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स होते थे 60% कमी आई उसमें।